अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस खत्म होने में कुछ ही घंटे का वक्त बचा हुआ है अब, और लगातार हर कोई इस इंतजार में है कि नतीजे कब आते हैं और नतीजे किस तरीके के आते हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, अजय जैन भटोरिया, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, और कमला हैरिस और जो बाइडेन की जो चुनावी यात्रा है उसमें एक बड़ा योगदान देते रहे, भारतीय मूल के हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सर, मैं देख रहा हूँ कि टी शर्ट सब आप एकदम पूरी तैयारी के साथ हैं, पार्टी की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट वीक हम लोग 2000 डोज पर मिनट के हिसाब से नॉक किया है। तो एफर्ट यही था कि रीच आउट टू ऑल द वोटर्स, तो आप कहाँ कहाँ गए? और अब तो हालांकि जो नतीजा है वो एक तरीके से बैलेट बॉक्सेस में कैद हो ही रहा है, लेकिन फिर भी आप क्यों कॉन्फिडेंट है? देखिए, जो हमने ग्राउंड पे जो देखिए पोल्स तो काफी सारे हर तरह के मिले, सारे जो हमने बैटल ग्राउंड स्टेट्स में हम गए से बातचीत करी, जो एंथुसियाज्म देख रहा हूं, जो वुमेन से मिले, आप सबका ये किताब की जो फाइटिंग फॉर फंडामेंटल फ्रीडम राइट, अबॉर्शन इज अ फ्रीडम राइट, उसके लिए जब अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो अबॉर्शन को पूरा नेशनल बैन लगा देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वुमेन के लिए, एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, द ह्यूज अमाउंट ऑफ वुमेन वोटर्स आर टर्निंग आउट। इसके साथ साथ जो मेल वोटर्स हैं उनको भी ये फील होने लगी है कि मेरे डॉक्टर को अगर अबॉर्शन नहीं है, अगर कोई इश्यू के कारण अबॉर्शन चाहिए होता है तो घूमता रहा इस सबसे पुराने लोकतंत्र में कि इज अमेरिका रेडी फॉर अ वुमेन प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कमांडर, क्या जवाब आपको जमीन से मिला? बिल्कुल, आप देख लीजिए मैं तो देख रहा हूँ सेलिब्रेशन की तैयारी, आज आप वॉच पार्टी के लिए जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आज शाम को हमारी वॉच पार्टी है कमला हैरिस अपनी उस यूनिवर्सिटी में रहेंगी जहां से उन्होंने पढ़ाई की और वॉच पार्टी भी उन्होंने वहीं रखी है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो कमला हैरिस का जो करियर बात रहा है, जो होता है, शी इज अ लॉयर, शी इज अ प्रोसिक्यूटर, अजय जी, भारतीय समुदाय के जितने लोगों से मैंने भी यहाँ पे चर्चा की, अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर, ये देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में, ये चर्चा है, कई लोगों का ये मानना है, धारणा है लोगों के बीच में कि रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन जब आता है तो भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं, कमला हैरिस के आने के साथ भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो। इस धारणा या कह लीजिए इस मान्यता या इस भ्रम को आप कैसे दूर करते हैं? सबकी धारणा की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप ये देखिए भारत के रिश्ते पहले बहुत ज्यादा मजबूत होने से ओबामा और बाइडेन के समय से, उस टाइम से उन्होंने बोला कि ट्रेड को डबल करेंगे और काफी नए एरियाज में बात करेंगे। उसके बाद में ट्रंप जब आए, ये बाइपार्टिजन रिलेशनशिप है उस टाइम भी स्ट्रॉन्ग रहा रिश्ता, और अब जब
मोदी जी और बाइडन मिले स्टेट विजिट पे, तो एक जो मोदी जी का जो एक्स्ट्रा अच्छा वेलकम हुआ व्हाइट हाउस से 5,000 इंडियन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।